Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. Students, today is the turn of lecture number 16 of second order tensors. And as you all know that in the previous lecture, we have studied the type 1 of second order tensor, which was the contravariant tensor of order 2. Today is the turn of type 2 of second order tensor, that is the covariant tensor of order 2. Okay, coming to the definition. Kya hai definition? A set of n square quantities, because we are working in n dimensional space and we are having two coordinate systems, and we are assuming that there is some coordinate transformation between the two coordinate systems. That is why we are talking about this thing. A set of n square quantities, aij, again aij ka expression sirf dekha jaye to I bhi free index hai, j bhi फ्री इंडेक्स है, दो फ्री इंडेक्सेस हो और 1 से n तक आप उसके ऊपर वेरिएशन ले रहे हो तो यू विल गेट n स्क्वायर टर्म्स फ्रॉम दैट सिंगल ऑब्जेक्ट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस x सिस्टम इज सेट टू फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोवेरिएंट टेंसर. कोवेरिएंट टेंसर की क्या निशानी थी कि इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रावेरिएंट से डिफरेंट होता है, एंड एट द सेम टाइम इसमें आप क्वांटिटीज जो लेते हैं जिन्हें आप कॉम्पोनेंट्स क्लेम करते हैं वो क्या होती हैं, वो सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती है. इट इज रिलेटेड टू अनदर सेट ऑफ एन स्क्वायर क्वांटिटीज, ये ए बार पी क्यू, अगेन दिस विल रिप्रेजेंट एन स्क्वायर क्वांटिटीज बिकॉज पी की वेरिएशन भी 1 से एन, क्यू की वेरिएशन भी 1 से एन तक है. इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस, ये एक्स बार सिस्टम में पाए जाने वाली एन स्क्वायर क्वांटिटीज हैं और ये एक्स सिस्टम में पाए जाने वाली एन स्क्वायर क्वांटिटीज हैं. ये वाली क्वांटिटीज किसी कोवेरिएंट टेंसर के कंपोनेंट्स के तौर पर कब क्लेम की जा सकती हैं, जब ये क्वांटिटीज इन क्वांटिटीज के साथ कुछ इस अंदाज में क्या कर जाएं, एसोसिएट कर जाएं. क्या है ये, इसको हम देख सकते हैं कि अगेन जैसे प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि इट विल रिप्रेजेंट एन स्क्वायर इक्वेशंस एंड ईच इक्वेशन इज अ सम ऑफ एन स्क्वायर टर्म्स. Basically, it is a system of n square equations in such a way that the right hand side of each and every equation is sum of n square terms. हम इसको एक special case में अगर देखना चाहें तो अब हम क्या करेंगे, हम अगर n को 2 ले यानी 2 dimensional space में देखना चाहें तो हम देखते हैं कि ये system कितनी equations को show कर रहा है और उस पूरे system को precisely लिखने की कोशिश करते हैं. तो p 1 2 q is also 1, 2, these are free indices and I is pure ke andar, I is coming twice, so it is the dummy index. Okay, this is free index and this is dummy index. Ab hum yahan se situation consider karte hain. ये क्वांटिटीज कौन कौन सी बन सकती हैं, पहले तो हम डबल सम अप्लाई करें फॉर n इक्वल्स टू 2. इक्वेशन अल्फा इंप्लाइज, इक्वेशन अल्फा क्या इंप्लाई करेगी कि a बार p q इज इक्वल्स टू x, I को 1 कहें, x बार p पार्शियल j फिक्स रहेगा, पार्शियल x बार q a 1 j. अब i को 2 पुट करें, पार्शियल x 2 बाय पार्शियल x बार p इनटू पार्शियल x j बाय पार्शियल x बार q इनटू a 2 j प्लस पार्शियल x 3 by partial x bar p partial x j partial x bar q into a 3j partial x 4 plus partial x 4 by partial x bar p partial x j by partial x bar what q and x kya aa jayega a 4j. तो ये हमने इसको इस तरीके से समझा है कि
आप जब सम अप्लाई करेंगे, सॉरी आपका आई 1 से 2 तक जाएगा तो इन टर्म्स की जरूरत नहीं है, आप यहां पर भी स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज 3 और 4 तो आई ले ही नहीं रहा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। वाई इक्वल टू 4 का केस बन जाएगा, दैट विल बी अ टफ केस टू डील विद। तो अब कंप्लीटली अप्लाई करें, जे के ऊपर समेशन को अप्लाई किया जाएगा, पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल एक्स बार पी, पार्शियल एक्स वन पार्शियल एक्स बार क्यू ए वन वन प्लस पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल एक्स बार पी, पार्शियल एक्स टू बाय पार्शियल एक्स बार क्यू ए वन टू प्लस। अब यहां पर आए, ये दो एक्सप्रेशंस का सम है क्योंकि जे इसमें डबल इंडेक्स है। इसी तरह यहां पर पार्शियल एक्स टू बाय पार्शियल एक्स बार पी, अब जे को वन पुट किया जाए यहां पर भी, ओके इसके अंदर जे वन पुट होगा, पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल एक्स बार क्यू ए टू वन प्लस पार्शियल एक्स टू बाय पार्शियल एक्स बार पी, पार्शियल एक्स टू बाय पार्शियल एक्स बार क्यू ए टू टू। देखा आपने के एन स्क्वायर टर्म्स का सम बनना चाहिए, तो यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग टर्म सम ऑफ फोर टर्म्स, क्योंकि एन आपका कितना था, टू था। अब इसको अगर आप बीटा कह दें, ये भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ईच पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू यू विल गेट वन इक्वेशन, यानी कि पी वन क्यू वन होगा, पी वन क्यू टू हो सकता है, इसी तरह पी टू क्यू वन हो सकता है और पी टू क्यू टू हो सकता है, यानी कि ये पेयर्स आप चूज कर सकते हो पी और क्यू के लिए, और हर पेयर के अगेंस्ट यू विल गेट वन इक्वेशन और यहां पर आप उसको प्लेस कर दोगे, ठीक है। तो हम यहां से रिक्वायर्ड सिस्टम क्या बनेगा, रिक्वायर्ड सिस्टम विल बी, रिक्वायर्ड सिस्टम आपका यहां से क्या आ सकता है, इट विल बी ए बार वन वन विच इज इक्वल्स टू पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल पी को प्लेस कर दें इनटू पार्शियल एक्स वन, सॉरी ये नीचे लिखा जाएगा बिकॉज कोवेरिएंट का केस है, पार्शियल एक्स बार वन इनटू ए वन वन, इसी तरीके से पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल एक्स बार वन, ये चीज आ गई आपके पास, पार्शियल एक्स टू बाय पार्शियल एक्स बार वन ए वन टू, तो ए वन टू आ जाएगा। ये पी और क्यू को आपने वन और वन रिस्पेक्टिवली क्या कर देना है, उसके अंदर पुटिंग कर देनी है, ओके प्लस पार्शियल एक्स टू बाय पार्शियल एक्स बार वन पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल एक्स बार टू ए टू वन प्लस फाइनली पार्शियल एक्स टू बाय पार्शियल एक्स बार वन पार्शियल एक्स टू बाय पार्शियल एक्स बार वन इंटू ए टू टू। इसी तरह अब ये पेयर चूज करें, ये चूज करें, ये चूज करें और सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका कंप्लीट होगा, इट विल बी फोर नंबर ऑफ इक्वेशंस, दिस सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ फोर इक्वेशंस एंड ईच इक्वेशन हैज द सम ऑफ फोर टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर टू, वी आर डीलिंग विद द सेकेंड ऑर्डर टेंसर्स टाइप टू। Hopefully you have enjoyed the lecture. Keep subscribing my channel and share it for latest videos. Thank you.